आपके माइंड में कब क्लिक हुआ कि अब मुझे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए ए वेरी क्लोज फैमिली तो इतना कुछ मुश्किल हुआ नहीं मगर मैंने नहीं। फिर भी अरेंजमेंट्स किए हुए थे यहाँ का जो कॉलेज का एक्सपीरियंस था आपका और इंडिया का जो एक्सपीरियंस था उसमें क्या डिफरेंस था आपने क्या महसूस किया यहाँ पे आके एजुकेशन के एज के मेरे सारे आइलेट्स के सारे पॉइंट्स एड अप हो गए थे आई थिंक सेवन बैंड ईच रिक्वायरमेंट थी उन दिनों में जो सिस्टम था ये थोड़ा आई थिंक इसमें कुछ लूप होल्स ज़्यादा थे तो तो आई थिंक दैट्स वाई इमिग्रेशन ने इस स्ट्रिक्ट एक्शन लिए थे उन दिनों में और ये सिस्टम को बंद कर दिया था हाई एवरी वन वेलकम टू एमिकास दिस इज़ विक्रम टूडे आई हैव ए वेरी स्पेशल गेस्ट विद मी मिस्टर शिवा मिस्टर शिवा ट्रेन टू बी ए बिजनेस मैन फ्राम इंटरनेशनल स्टूडेंट और जो इनकी जर्नी है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है और इन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क किया है इंडस्ट्री में तो आज हम इनसे जानेंगे इनके स्ट्रगल के बारे में कैसे एक इंटरनेशनल स्टूडेंट से एक बिज़नेस की जो इनकी जर्नी है कैसे इन्होंने उसको अचीव किया है तो हेलो शिवा वेलकम टू मई शो हाई विक्रम हवाई थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी मिस्टर शिवा फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक कॉमन क्वेश्चन रहता है जो भी हमारे गेस्ट शो पे आते हैं मैं भी जानना चाहता हूँ और हमारे ऑडियंस भी जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं आपका बैकग्राउंड क्या है आपका जो होम टाउन है उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करना चाहेंगे जरूर इस शो पर यस yes, विक्रम इंडिया में पंजाब से पंजाब से हूँ सिटी कोला हशियारपुर सो मैंने अपनी बैचलर्स डिग्री स्कूलिंग सारा हशियारपुर से की है और फ्रॉम हशियारपुर डायरेक्ट टू तो ऑस्ट्रेलिया आपका जो एब्रोड सेटल होने का प्लान है ये क्यों बना कैसे बना और क्या सर्कमस्टांसिस रहे उस टाइम पे कि आपने सोचा चलो हम विदेश में चल के पढ़ते हैं रहते हैं फिर सेटल होते हैं येस yes, इंडिया में जब मैं बैचलर्स कर रहा था आई वॉज़ वेरी यंग मा बैचलर्स वन ऑफ एटीन तो अठारह साल पर मैंने अपनी बैचलर्स ख़त्म कर ली थी और उस टाइम पर सारा फ्रेंड सर्कल और आई थिंक सारे एक ही प्लान कर रहे थे स्टडी अब्रोड तो उन दिनों में हम एक्चुअली करने तो स्टडी ही आए थे कि हम यहाँ स्टडी करेंगे और सेटल uh, हो होने की कोशिश करेंगे नहीं हुई तो इंडिया में अच्छी खासी कोई जॉब मिल जाएगी तो ये सोच के हम यहाँ आए थे सो दैट वॉज बैक इन टू थाउजेंड एंड फोर बैक होम आपने स्टडी क्या करी थी प्लस टू के बाद ही आ गए थे या फिर ग्रेजुएशन आपने वहाँ से कंप्लीट करी है बैक um, होम uh, मैंने बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की थी अ बैचलर डिग्री एंड आफ्टर फिनिशिंग बैचलर्स प्लान हमने यही किया था कि ऑस्ट्रेलिया आके मास्टर्स खत्म करेंगे यस दैट वाज बैक बैक इन इन 2004 2004 जी तो back in 2004, वो एक आईटी का दौर था क्योंकि मैं भी काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने उस टाइम पे आईटी करी थी और उनके एक दो बंदे को मैं जानता हूँ उनका एयरटेल में पैकेज लगा था छः लाख रुपए का उस टाइम पे हाँ तो हमें बहुत ज़्यादा लगता है भाई बहुत बड़ा अमाउंट है छः लाख ये yes. ईयरली उस टाइम पर और अच्छे बूम पे थी आई टी इन दैट्स राइट वही हम हमने भी यही देखा था कि हमारे काफ़ी फ्रेंड लोग टू uh, में टू में ऑस्ट्रेलिया uh, आए थे और अमेरिका गए थे और वापस इंडिया जाके उनके दस दस लाख के पैकेज लगे थे बैक इन टू थाउजेंड तो हमारे भी एम्बिशंस कुछ ऐसे ही थे कि हम ओवरसीज जाए स्टडी करें आई में और अगर वहाँ परमानेंट नहीं हुए तो बैक होम अच्छी जॉब मिल जाएगी राइट आपको उस टाइम पे वीज़ा आसानी से मिल गया था बैक इन 2004 ऑस्ट्रेलिया काफ़ी पॉपुलर था वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल नहीं था दैट वाज फंडिंग होती थी फंडिंग दिखानी है और अगर आप बैचलर से मास्टर्स करने आ रहे हो तो वीज़ा ईजिली मिल रहा था उन दिनों में है ना कैंगू कैंगू के नाम से कोई एजेंसी थी चंडीगढ़ में चंडीगढ़ में मैंने उनसे वीज़ा डलवाया था तो कुछ खास फीस भी नहीं थी जो ऑस्ट्रेलिया के खर्चे थे वही वही पे किए थे जी, जी। और वीज़ा भी कोई इतना मुश्किल नहीं था मिल गया था टाइम पे और ईजिली तो कितना एक्सपेंडिचर आया था उस टाइम पे आपका और ऑस्ट्रेलिया के डॉलर का क्या प्राइस था उस टाइम पे आई एन आर में बैक इन टू थाउजेंड फोर जब हम आए थे तब ऑस्ट्रेलिया तो का डॉलर उस टाइम पे ट्वेंटी सिक्स रुपीज़ का एक था बैक इन टू थाउजेंड फोर कितना एक्सपेंडिचर आया था आपका स्टडी वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया आने के लिए उस टाइम बैक इन टू थाउजेंड फोर आई थिंक मेरा कुछ दो से तीन लाख के बीच का खर्चा था अकाउंट अकाउंट रिमेंबर द एग्जैक्ट अमाउंट सो फीस थी एयर फेयर था और यहाँ पे रहने के लिए uh, थोड़ा खर्चा पानी था जेब में एंड वैन वी गट हीर आ, आते जॉब लग गई सब कुछ अंडर कंट्रोल आ गया तो वापस घर से कुछ मंगवाना ऐसा पड़ा नहीं जी हाँ जी तो क्या होता था कि काफ़ी लोगों के जो यहाँ पे जिनको हम फोन करते थे ना भाई हमें एयरपोर्ट से ले जाना आके तो लोग आते नहीं थे बहुत बार <laughs> तो आपको तो लेने पहुँच गया था कोई जिसके पास भी आप मेरी फैमिली थी यहाँ पे वेरी क्लोज़ फैमिली तो इतना कुछ मुश्किल हुआ नहीं मगर मैंने फिर भी अरेंजमेंट्स किए हुए थे मेरे एजेंट कैंगरू वाले दे देवर वेरी केयरिंग और उन्होंने मेरे लिए अरेंजमेंट्स करके रखे हुए थे यहाँ पे पिकअप अरेंज की थी और होटल एंड एवरी थिंग वॉज इन प्लेस एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जब आप ऑस्ट्रेलिया आए आपने तो ऑलरेडी कॉलेज किया था इंडिया में yes. तो यहाँ का जो कॉलेज का एक्सपीरियंस था आपका और इंडिया का जो एक्सपीरियंस था उसमें क्या डिफरेंस था आपने क्या महसूस किया यहाँ पे आके हाँ जब मैं यहाँ पे आया तो वहाँ पे मैंने आ, स्वामी सर्वानंद गिर एक आ, हमारे हशियारपुर में यूनिवर्सिटी खुली थी जो अभी पी यू में कन्वर्ट हो चुकी है बहुत ही बड़ा कैंपस था तो वहाँ से मैंने बैचलर्स की थी एंड uh, वहाँ से यहाँ का कुछ ऐसा बड़ा डिफरेंस था नहीं uh, मैंने सेंट्रल क्वींसलैंड में जॉइन किया था सिडनी कैंपस में ट्रिपल थ्री और और बहुत ही अच्छा कैंपस था एंड देन वी मूव टू फोर हंड्रेड कैंट स्ट्रीट और चुछ। चुछ। वो उससे भी बढ़िया कैंपस था बिजी था Uh, मगर ऑस्ट्रेलिया आके अच्छा कैंपस मिल गया और अच्छी सिटी मिल गई सिडनी सी तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जो फर्स्ट जॉब का एक्सपीरियंस था वो कैसा था क्योंकि बैक होम इंडिया में हम लोग लो जॉब नहीं करते हैं ड्यूरिंग द स्टडी बट व्हेन यू केम हियर आपकी जो फर्स्ट जॉब थी फर्स्ट डे पे कैसा एक्सपीरियंस था और क्या जॉब आपने करी यहाँ पे uh, मेरे को पहले दो वीक में जॉब मिल गई थी पिज्ज़ा uh, डिलीवरी की और मार्टिन प्लेस पर उन दिनों में पिज़्ज़ा हट हुआ करता था और मैं उनका डिलीवरी ड्राइवर था पिज़्ज़ा जो सिडनी सी और बाकी एरियाज़ में डिलीवर करते थे और अच्छे खासे पार्ट टाइम के पैसे मिल जाते थे उन दिनों में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जो आपकी फ़र्स्ट जॉब थी हाँ उससे कितनी अर्निंग्स हो जाती थी और एक्सपेंडिचर क्या थे आपके खर्चे निकल जाते थे फिर से निकल जाती थी या फिर घर से कभी कभार कुछ ना कुछ मंगवाना पड़ता था आपको हाँ उन दिनों में घर से भी थोड़ा बहुत आता था बहुत नहीं जॉब अच्छी थी अपने यहाँ के खर्चे निकल जाते थे पर्सनल एक्सपेंसिस फ़ीस एक आध बार घर से मंगवानी पड़ी थी आ, मगर इट वाज ऑल स्मूथ मैंने तो अपनी स्टडी फास्ट ट्रैक में की थी सिक्सटीन मंथ्स में जी तो आपने अपनी स्टडी फास्ट ट्रैक में कंप्लीट करी हाँ जी कितना टाइम लगा आपको सिक्सटीन मंथ्स मंथ सोलह महीनों में तो हाउ डिड यू गेट योर रेजिडेंसी तो हाँ। ये हार्ड पार्ट था आपके लिए अचीव करना इसको या फिर सब कुछ स्मूथ चला और चीज़ें आसानी से हो गई देखो आसान तो कुछ नहीं होता यू हैव टू हैविजन फर्स्ट आई वॉजस्ड पर रेजिडेंसी सो मैं प्लान पहले दिन से ही उस हिसाब से हुआ था जॉब बाकी चीज़ें इतना कुछ मायने रखती नहीं थी फोकस वॉज जस्ट अ परमानेंट रेजिडेंसी सो फर्स्ट चौबीस महीने पच्चीस महीने मैंने फोकस ही वो रखा तो ईजी तो नहीं था मगर ये इट हैपन्ड तो उस टाइम पे जो परमानेंट रेजिडेंसी की रिक्वायरमेंट्स वो क्या थी हमारा उन दिनों में पॉइंट सिस्टम ही था आई थिंक सिक्सटी और सेवेंटी पॉइंट्स आई कॉन्ट रियली रिमेंबर तो वहाँ पे एजुकेशन के एज के मेरे सारे आईलेट्स के सारे पॉइंट्स एड अप हो गए थे आई थिंक सेवन बैंड ईच रिक्वायरमेंट थी उन दिनों में और थोड़ा इन्वेस्टमेंट था एन एस डब्ल्यू ट्रेजरी के साथ एक ऑप्शन निकला था 2004 में तो वो इन्वेस्टमेंट के हमें एक्स्ट्रा पाँच पॉइंट मिलते थे तो मगर हम मगर कुछ देर ही वो सिस्टम चला आई थिंक सिक्स और एट मंथ्स और फिर गवर्नमेंट ने वो सिस्टम बंद कर दिया वो पांच एक्स्ट्रा पॉइंट्स का so मेरे टाइम पे मेरे को याद है कुछ दो तीन हज़ार बंदों ने परमानेंट रेजेंसी ली थी यूजिंग एन एस डब्ल्यू इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स यस तो कितने पैसे उसमें आपको इन्वेस्ट करने होते थे यस yes, uh, वो उन दिनों में uh, एक लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी विच uh, वो हमें इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करते थे आफ्टर वन ईयर जब ये स्कीम आई तो इंडियंस ने जैसा मैंने सुना है इतना पैसा यहाँ पे ट्रेजरी में दे दिया कि इनको स्कीम बंद करनी पड़ी कि <laughs> कहीं इंडियन इंडियन ही ना हो जाए यहाँ पे बहुत ज्यादा राइट <laughs> चली थी <दे> स्कीम ये, <laughs> नहीं नहीं ऐसा कुछ <laughs> नहीं था आ, ये जो सिस्टम था ये थोड़ा आई थिंक इसमें कुछ लूप होल्स ज़्यादा थे तो आई थिंक दैट्स वाई इमिग्रेशन ने इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए थे उन दिनों में और ये सिस्टम को बंद कर दिया था yes. तो जब आपकी परमानेंट रेजिडेंसी ग्रांट हुई yes. तो आई वॉज हैप्पी कि परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई है और uh, वो मेरा फोकस था मैं मेरा एम ही वो था अदरवाइज मैं वापस प्लान भी तो था ही इन प्लेस कि वापस जाके जॉब लेंगे मगर प्लान ए हमारा सक्सेसफुल हो गया तो ये आपके माइंड में कब क्लिक हुआ कि अब मुझे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए देखो 2006 में परमानेंट रेजिडेंसी ली फिर उसके बाद छोटी मोटी जॉब्स की इधर उधर एंड एंड इन 2007 मेरी जॉब आईटी में लगी आईटी फील्ड जिसकी स्टडी कर रखी थी और जॉब लगी और एक साल के करीब की है एंड आई गॉट एग्जॉस्टेड जॉब का प्रेशर लाइफ लाइफ आई वॉज वेरी हैप्पी तो मैंने फिर वो जॉब क्विट की एंड uh, मैंने अपनी पार्ट टाइम जॉब्स को कंटिन्यू किया और मैंने डिसाइड किया कि मैं इंडिया जाऊंगा इंडिया से कोई बिज़नेस शुरू करूंगा। बट आई वॉज एंड श्योर विच बिज़नेस तो मैंने अपनी सारी सेविंग्स उठाई और uh, इंडिया की फ़्लाइट ली और uh, पाँच साल के बाद चार साल के बाद इंडिया पहुंचा तो थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करना शुरू किया और वहाँ पे मैंने फिर आ, स्टिकर प्रिंटिंग का सोच रहा था वो बिज़नेस शुरू करने की कोशिश की मगर अनसक्सेसफुल कोई कॉन्टेक्ट्स नहीं मिले और उसके बाद मेरे को किसी के रेफरेंस से एक जूतों के होल के साथ मुलाकात हुई जलंधर में तो उन्होंने मेरे को ऑफ़र किया कि यहाँ से जलंधर से जूते बल्क में खरीदो और ऑस्ट्रेलिया में बेचो और वर माई लास्ट डेज मैं एक महीने के लिए गया था और तकरीबन साढ़े तीन वीक निकल चुके थे और मेरे पास सोचने के लिए कुछ रहा नहीं और मैंने बस बिना सोचे समझे जूते ख़रीद लिए चार सौ पाँच सौ पेयर मैंने ख़रीदे थे उन दिनों में और इंपोर्ट करके ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट कर लिए सो विदिन अ मंथ मेरे को सारी शिपमेंट मिल गई और मेरे घर में जिधर देखो बस जूते ही जूते डाइनिंग रूम हो गया किचन हो गई बस जूते ही जूते अब जूते ले तो आया जूते ला करना क्या है इनका बेचने का है सो so, उन दिनों में कोई ऐसी हेल्प थी नहीं कोई गाइड करने वाला कि क्या इंपोर्ट करो और कहाँ जाके बेचो ऐसा कुछ सिस्टम था नहीं जब आपने इंडिया से शूज़ इंपोर्ट कर लिए और आपका सारा घर शूज़ से भरा पड़ा था उस टाइम पर तो इसके साथ साथ कोई आप अपने आप को सपोर्ट करने के लिए कोई जॉब कर रहे थे या फिर टोटली इसी चीज़ पे आप डिपेंड हो गए थे भाई मैं इतना स्टॉक ले आया हूँ उठा के और अब इसको बेचना कैसे है जो मेंटल प्रेशर था चीज़ों का ना क्योंकि नई चीज़ आपने शुरू करी है एक तरफ से जो सेविंग है सारे की सारी आपने लगा दी और फिर स्पोर्ट सिस्टम भी इसके साथ कुछ ना कुछ तो होगा आपका तो वो क्या था आपका स्पोर्ट सिस्टम मैंने मेरे पास पार्ट टाइम जॉब थी मैं वूलवर्थ में नाइट फिलिंग का काम करता था रात पे तो वहीं से घर चलता था और साथ में बिज़नेस तो करना ही था मेरे को अब जूते भी ले आया था तो जूतों का करना क्या है उन दिनों में कोई ऑनलाइन मार्केट प्लेस भी नहीं होता था कि जहाँ पे हम स्ट्रेट अवे इम्पोर्ट किया और बेचना शुरू कर दिया सो so, उन दिनों में तो एक ही था कि शॉप होनी चाहिए और और एंड दैट्स इट तो मेरे को शॉप लेने के पैसे नहीं थे उन दिनों में तो so, करते क्या तो so, मार्केट्स करके हमारी उन दिनों में मार्केट्स लगती हैं जो आजकल भी लगती है फिल्मिंगटन मार्के मार्केट और पेनरिथ मार्केट देर इज क्वाइट ऑफ्यू तो मार्केट्स में बेचना शुरू किया और और जब मैं रात को जॉब फिनिश करता था तो कई बार मेरी दिन के टाइम मीटिंग्स रहती थी लोगों के साथ मिलने के लिए तो मैं जूते अपने बैग में भरता और सैंपल्स uh, लेके पहुंच जाता तो so, ऐसे मैंने कुछ क्लाइंट्स अच्छे बनाए और uh, उन्होंने मेरे को अच्छी किक दी तो so, मैंने विद इन थ्री और फोर मंथ्स फुल कंटेनर जूतों का इंपोर्ट किया क्योंकि काफ़ी सपोर्ट मिली थी मार्केट से और लोगों ने अप्रिशिएट किया जो मैं इंपोर्ट कर रहा था वो भी थोड़ा हटके प्रोडक्ट था उन दिनों में सो ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप क्या इम्पोर्ट कर रहे हो इस पर बहुत आपको फोकस करना पड़ता है अब जैसा कि आपने बताया जो शूज़ आपने मंगाए थे फ्लैट को भर दिया था आपने उसे, वो शूज़ आपने सेल कर दिए बाय डोर नॉकिंग यस तो इसके बाद आप बोल रहे हो एक कंटेनर मैंने शूज़ का मंगवा लिया और उसको भी आपने डोर नॉकिंग से बेचा या फिर कोई और स्ट्रेटजी आपने यूज़ करी हाव यू मेक इट पॉसिबल ना देखो उन दिनों में स्ट्रेटजी तो हमारी क्या होती थी उम्र छोटी थी एक्सपीरियंस कम था तो उन दिनों में मैं एक एक बहुत ही अच्छे शख्स से मिला आ, उसने वो भी बिज़नेस मैन ही था होल सेलर था तो जब उसने मेरे को देखा उसने डेफिनेटली कुछ देखा होगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ एंड आई नो वट एम डूइंग तो उसने अपना मेरे को बॉन्डाई जंक्शन में उसके पास एक ऑफ़िस था और ऑफ़िस का रिसेप्शन एरिया खाली था उसका कोई रिसप्शनिज नहीं था तो उसने मेरे को अपना ऑफिस का मेन स्ट्रिप ऑक्सफ़ोर्ड स्ट्रीट पे अपने ऑफिस का रिसेप्शन एरिया दे दिया मेरे को अपनी दुकान लगाने के लिए सो दैट वाज़ अ बिग बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी सो मैंने वहाँ पे अपना सारा सेटअप किया और अपने कंटेनर का सारा माल डिस्प्ले पे लगाया और ऑल ओवर सडन मेरे पास हज़ारों में कस्टमर थे सो मैंने पहला लॉट तीन जूतों का मंगवाया दूसरा लॉट ढाई जूतों का मंगवाया एंड देन विद इन फर्स्ट ईयर आई हैड टू और थ्री मोर कंटेनर कह मीन सो मैंने तीन से चार कंटेनर और इम्पोर्ट किए विद इन फर्स्ट ईयर क्योंकि इस बंदे ने जिसका मैं नाम ले रहा हूँ इन बॉन्ड आई उसने मेरा बहुत ही साथ दिया इस चीज़ में और उसने ना सिर्फ मेरे को जूतों के बिजनेस में हेल्प की एज अ सेड वो भी होल सेलर था उसके काफ़ी स्टोर थे सिडनी में तो उसने मेरे को अपने एक बहुत ही बड़े स्टोर में कुछ पार्ट और दे दिया कि हाँ अगर तेरे को जूतों का अपना काम और फैलाना है तो किसी को एम्प्लॉय कर और इस स्टोर में अपने जूतों का स्टॉल लगा दे डिस्प्ले जैसे डिस्प्ले लगा दे तो मैंने उसके साथ उसके स्टोर में एक डिस्प्ले लगाया तो कुछ ही देर में आई वुड से विद इन फर्स्ट टू इयर्स हमारा रिलेशन इतना अच्छा बन गया था कि उसने अपना एक स्टोरी ऑफर कर दिया मेरे को कि इफ़ आई वॉन्ट टू रन मैंने कहा कि मेरे पास तो पैसा इतना नहीं है जूतों में लगा हुआ है तो उसने कहा कि कोई नहीं तू तो स्टोर रन कर पैसे बना जब बन जाएंगे मेरे को पे कर देना ही वॉज सच ए जेंटलमैन और उसने मैंने किया मैंने उसका फर्स्ट स्टोर रन किया और उसको पैसे दिए और स्टोर टेक ओवर किया okay. तो वहीं से मेरी एक्चुअली रिटेल इंडस्ट्री में शुरुआत हुई सो विद इन अप टू 2013 मैंने बार्गन स्टोर्स खोले जस्ट जस्ट क्लियर स्टोर्स के नाम से okay. लिवरपूल में था कैम्बलाउन लिवरपूल फेयरफील्ड पेनरेथ हॉन्स भी सो मेरे पास पाँच छः पाँच छः स्टोर थे तो अपन टिल टू थाउजेंड एंड थर्टीन फ्राम टू थाउजेंड एट टू टू थाउजेंड थर्टीन मेरे पास पाँच स्टोर अपने मैसेव साइज अराउंड फाइव टू सिक्स हंड्रेड स्क्वेर मीटर ईच स्टोर तो मैंने खोल लिए थे मगर जब बिजनेस स्पाइक करता है तो वो नीचे भी आता है mm -hmm. तो वट हैपन इन टू थाउजेंड थर्टीन के एम आर्ट ने एंट्री की रिटेल में बहुत ही बड़े दर्जे पे ऑफिस वर्क्स ने की तो हम स्टेशनरी बेचते थे कपड़ा बेचते थे ये सारा मिक्स वैरायटी बिजनेस आइटम्स बेचते थे होलसेल एंड रिटेल तो ये के मार्ट की एंट्री हुई ऑफिस वर्क की एंट्री हुई और हमारा बिज़नेस बिल्कुल पीक से ड्रॉप होना शुरू हो गया के मार्ट और ऑफिस वर्क आने के बाद आपके आप बता रहे हैं स्टोर्स डाउनफॉल में आ गए उस वक्त पे तो आपका जो उस टाइम थॉट प्रोसेस क्या था क्या सोच रहे थे कि अब नेक्स्ट होगा का क्योंकि ये जो बड़े जाइ्स जब आते हैं बहुत सारा पैसा लगाते हैं दे डोंट केयर अबाउट द प्रोफिट्स दे केयर अबाउट देअर प्रेजेंट्स बड़े जाइंट्स आते हैं और छोटों को ख़त्म कर देते हैं एक यही पैटर्न आजकल चल रहा है तो आपका जो थॉट प्रोसेस था उस टाइम का वो क्या था आपके मन में क्या चिंताएं थी फ्यूचर को लेके भाई ये बिज़नेस अब अगर ये नहीं चलेगा तो मैं फिर करूँगा क्या इसके बाद आ, उन दिनों में जब मैं ये स्टोर रन कर रहा था तो मैंने ऑलरेडी अपना बिजनेस इट्स कॉल अ स्विच मैंने स्विच कर दिया फ्रॉम रिटेल uh, uh, तो मैं जहाँ पे जनरल वैरायटी हर चीज़ बेच रहा था उन दिनों में एक दो कंटेनर हमने हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के बेचे थे जो हमें क्लेरेंस जो हमने चाइना से इंपोर्ट किए थे क्लेरेंस uh, पे तो so, उनकी डिमांड हमने देखी कि बाकी प्रोडक्टों के मुकाबले वो प्रोडक्ट बहुत ही तेज़ी से ख़त्म हो गया विद इन वीक्स सो वी सोल्ड टू टू थ्री कंटेनर्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स तो मैंने तब डिसाइड कर लिया था कि अब यही प्रोडक्ट लाएंगे मगर अभी इस पर अपनी ब्रांडिंग करेंगे सो हमने वॉल आ वॉज डूइंग दो स्टोर्स मैंने अपने तीन चार फैक्ट्रियों के साथ सेटअप किया चाइना में और अपनी मैन्युफैक्चरिंग अपने ब्रांड के अंडर पांच छह प्रोडक्ट चूज़ किए और uh, उनको इंपोर्ट करना शुरू कर दिया सो so, जब तक ये स्विच हो रहा था 2013 में जब बिज़नेस सारे रिटेल इंडस्ट्री बहुत नीचे जा रही थी उस टाइम पे मैंने अपना एक अलग से बिजनेस शुरू कर लिया था विच वॉज आई हेल्थ केयर नी ब्रेसिज एंड बैक ब्रेसिस द ब्रांड इज़ कोल आई फाइव जॉइंट्स तो हम नेशनली ऑस्ट्रेलिया में रिटेल भी करते हैं एंड होल सेल भी करते हैं सारी फार्मेसीज़ को सो so, जब तक हमारा रिटेल स्टोर्स डाउन गए तब तक मैंने काफ़ी फार्मेसीज कैप्चर कर ली थी जिनको हम ये प्रोडक्ट्स होल कर रहे थे जी। तो एज सच ऑबियसली एक कंसिस्टेंट इनकम आते आते एकदम से ड्रॉप आना मगर विद इन आई ईयर वही रिकवर्ड इन टू थाउजेंड फिफ्टीन वही रिकवर्ड और आई फाइव जॉइंट्स हमने बहुत प्रोमोज़ रन की और बहुत कस्टमर्स हमने कैप्चर किए उन दिनों में और इट वॉज़ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस अप टू थाउजेंड एंड जब uh, मैंने डिसाइड किया कि अब मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर है तो मेरे को अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करना है तो so, मैंने आई फाइव जॉइंट्स को थोड़ा स्लो किया और मैं टेक गुरु ब्रांड के अंडर मैंने अपना एक वेयर हाउस स्टोरेज यूनिट था किंग्स पार्क में जिसको मैंने ओपन किया पब्लिक के लिए uh, ये सारे प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में इम्पोर्ट कर रहा था साथ में हेल्थ केयर भी इम्पोर्ट कर रहा था तो यहाँ यहीं से हमने टेक गुरु की शुरुआत की है या फिर जो I5 पे? देखो आई फाइव इज देयर क्लाइंट्स आर गेटिंग अ रेगुलर ऑर्डर्स सो मेरे को ऐसा बहुत एफर्ट्स नहीं करने पड़ते uh, मगर एज सेड 2018 में मैंने टेक ग्रुप की शुरुआत की व्हिच इज़ माय कोर बिजनेस तो टेक ग्रुप के अंडर हम फोन रिपेयर सारी फ़ोन एक्सेसरीज डिसेस आईफोन सैमसंग लैपटॉप्स कंप्यूटर्स हम सारा होल सेल करते हैं एंड अंडर टेग्रू बैनर हम रिटेल भी करते हैं तो हमारा जो आउटलेट है किंग्स पार्क में uh, वहाँ से रिटेल भी होती है वहीं से होल सेल होती है सो so, हम होल सेल एंड रिटेल एंड रिपेयर्स तीनों चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं इस वक्त okay. तो अंडर वन रूफ आप होल सेल भी रन कर रहे हैं रिटेल भी रन करते हैं एंड yes. जो आपकी मोबाइल की लैब है रिपेयर करने की वो भी आप करते हैं यस मिस्टर शिवा हाउ मेनी प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज यू आर हैविंग एट द मोमेंट देखो प्रोडक्ट कैटेगरीज में हमारे पास कंप्यूटर्स हो गए कंप्यूटर्स के अंडर आपके सारे पैराफेरियल्स लैपटॉप्स यूज एंड यूज एंड न्यू फिर फिर आ गए आपके स्मार्ट डिवाइसेस तो स्मार्ट डिवाइसेस में हम सारा काम करते हैं फोन्स हो गए आईफोन सैमसंग वीवो तो सो तो आपको कौन सी रेंज में फ़ोन चाहिए फिर आ गई एक्सेसरीज सो जनरल एक्सेसरीज में आपकी सारी फ़ोन एक्सेसरीज आपकी सारी लैपटॉप कंप्यूटर एक्सेसरीज वो सब हम कैरी करते हैं फिर एट द सेम टाइम हम सारे स्पेयर पार्ट्स कैरी करते हैं जो भी इन डिवाइसेस को रिपेयर करने के लिए होते हैं क्योंकि हमारा अपना आ, सर्विस सेंटर है जहाँ पे हम बल्क रिपेयर्स करते हैं फॉर कंपनीज मिस्टर शिवा जो आपका होलसेल का बिजनेस है कौन आपसे चीज़ें खरीदता है होलसेल में है ना आई जस्ट वॉन्ट टू नो पर्सनली तो कितने लोग हैं जो there who are buying from you and selling in retail? देखो हमारे क्लाइंट्स में बहुत सारी शॉप्स हैं so we got around थ्री to फोर हंड्रेड शॉप्स जिनको हम सप्लाई करते हैं and बहुत सारे फ्री हैं जो एक्चुअली कोई बिजनेस नहीं ऑन करते they डूइंग अ पार्ट टाइम वर्क तो so, उनके उन्होंने अपने मार्केट प्लेसिस पे खोल रखे हैं बिजनेस अपने शॉप फ्रंट्स और हम उनको उनके लिए ड्रॉपशिप भी करते हैं और हम उनके लिए वो हमसे प्रोडक्ट रेंज जितनी भी हमारी वेबसाइट पे है वो उनमें से पिक कर लेते हैं हमसे होल सेल प्राइज ले अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर लेते हैं सो आई हैव अराउंड फोटी फिफ्टी फ्री जो अपने यंगस्टर्स हैं इंडिया के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे मेलबर्न में हैं कुछ कुछ साउथ ऑस्ट्रेलिया में हैं कुछ तजमेनिया में हैं तो वो सारे जाए। हमसे प्रोडक्ट्स न्यूजीलैंड में है एंड uh, वो सारे हमसे प्रोडक्ट्स uh, होल में खरीदते हैं और ख़रीदते भी नहीं है वो सैम्पलिंग ले लेते हैं लिस्टिंग करते हैं मार्केट प्लेस पर जब प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाता है अगर उन्होंने हमसे बल्क में खरीद के रखा है तो उनके पास ऑलरेडी स्टॉक है अदरवाइज़ हम उनके लिए ड्रॉप शिप कर देते हैं सो दे पे द दे दे मूविंग द फुल इन्वेंट्री जो हमारी फुल इन्वेंट्री है वेबसाइट से उनको पूरी एक्सेस है और वो जो भी प्रोडक्ट उनको समझ आता है होल सेल प्राइस स्टार्ट सेलिंग सो उनका कोई खास खर्चा भी नहीं होता पाँच सौ हज़ार डॉलर में उनका बिजनेस सेटअप हो गया शिवा सी इफ आई वन टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस लाइक मोबाइल एसेसरीज मोबाइल फोन्स आई पैड है ना एवरी थिंग रिगार्डिंग दिस टैक थिंग्स यू नो जैसे मोबाइल के कवर हैं या फिर आई पैड के कवर हैं बहुत सारी चीज़ें हेडफोन्स हैं yeah. कुछ भी है जो भी आपकी आपके स्टोर में मैंने देखी हैं तो इफ़ आई वू रन माई ओवन बिजनेस मैं कहीं पर शॉप लेता हूँ फिर कुछ और भी करता हूँ चीज़ें है न फिजिकल स्टोर सेटअप करता हूँ तो वट काइंड ऑफ सर्विस यू कैन प्रोवाइड मी क्या मतलब मुझे क्या मिलेगा आपसे <laughs> देखो आ, हाँ विक्रम पहले जो फिजिकल लोकेशन है वो ढूंढना ही बहुत बड़ी टास्क है आपने डिसाइड तो कर लिया कि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो और तो मैं आपके लिए आपके लिए शॉप भी फाइंड कर सकता हूँ कि आपको कौन सी लोकेशन सही रहेगी कहाँ पे पैसे बन सकते हैं एंड देन आई कैन हेल्प यू आई कैन गिव यू द इन्वेंट्री दैट टुक मी फाइव ईयर्स टू फाइंड कि ये वाला प्रोडक्ट बिकता है ये प्रोडक्ट नहीं बिकता तो वो मैं आपको दे सकता हूँ मेरी एक्सपर्टीज़ जो मैंने पिछले पाँच छः साल में गेन की है हम तो आपको अम, स्टोर फाइंड करने में हेल्प कर सकते हैं क्योंकि हमारा रिलेशन बहुत सारे स्टोर ऑनर से है जिनके मल्टीपल स्टोर हैं कुछ बेचना चाहते हैं तो हम आपको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं आप खरीद सकते हो एंड उसके बाद आपको हेल्प कर सकते हैं कि उस बिजनेस को और ग्रो कैसे करना है बाय बाय एडिंग सम प्रोडक्ट्स एंड रिमूविंग सम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तो इन सारी चीज़ों में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं जी मिस्टर शिवा इफ़ मी और अदर पर्सन लाइक मी वन टू स्टार्ट देर ओन बिजनेस है ना जैसे टेक का ही हो गया फिर कुछ और हो गया स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट में अगर कुछ स्टार्ट करना चाहें क्योंकि अगर शॉप रेंट पे लेने जाएंगे तो उसके तो बहुत चीज़ें होती हैं yes. रेंट भी शुरू हो जाता है सिक्योरिटी मनी भी लेते हैं वो बॉन्ड हो गया जो और आपको स्टाफ भी हायर करना है बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं एक हीज इन्वेस्टमेंट हो गई तो अगर स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या हो सकता वो देखो uh... आजकल कल शॉप फ्रंट का तो इतना ट्रेंड रहा भी नहीं बहुत आ, आ, स्मार्ट बिजनेस पीपल दे मूव देयर बिजनेस ऑनलाइन ठीक है ना तो हमारे पास मार्केट प्लेस नंबर ऑफ मार्केट प्लेस है ऑनलाइन मार्केट प्लेस नॉट जस्ट अ फेसबुक मार्केट प्लेस हमारे पास ई है अमेजोन uh, है कैच कोगन माई डील और सेल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं मगर क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज़ होता है कि बेचे क्या जी आजकल बिकता क्या है देर आर अ लॉट ऑफ ट्रेंडी प्रोडक्ट्स आप बहुत सारे होल के पास जाके खरीद सकते हो देर आर लॉट ऑफ होल सेलर्स इन सिडनी आप जाओ अपना प्रोडक्ट पिक करो आपको क्या बेचना है और uh, और पिकअप द सैम्पल जाके अपना लिस्ट करो अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपना स्टोर खोलो से uh, कि ईबे पे आपने अपना स्टोर ओपन किया कॉस्ट यू नथिंग मे बी सब्सक्रिप्शन है जो मेरी पाँच छः डॉलर होगी या दस डॉलर होगी आपका स्टोर सेटअप हो गया आपने प्रोडक्ट्स की रेंज जो भी आपने चूज की आपने लिस्ट किए और और बेचना शुरू कर दिया और अगर आपको ये देखना कि ट्रेंडी प्रोडक्ट्स क्या हैं वो वो इतना इजी नहीं है वहाँ पे बहुत सारी एल्गोरिदम्स हैं गूगल में आप वहाँ से पता कर सकते हो मगर एल्गोरिदमज नॉट ऑलवेज़ शिवा देखिए एल्गोरिदम में जाने के लिए ना आपको बहुत अलग अलग तरह के टूल्स ढूंढने पड़ते हैं उनको ढूंढना ही टॉपिक है है ना मतलब एक क्वाइट टास्क हो गया उनको ढूंढना। तो आपकी जो आर एंड डी है आप तो इतने टाइम से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं आ, विक्रम आ, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स वी ट्राइड और उसमें से हर कोई प्रोडक्ट टॉप सेलर नहीं होता Uh, कुछ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे बिकते हैं कुछ स्लो बिकते हैं ओवर द ईयर्स वी लर्न कौन से प्रोडक्ट जल्दी से बिकते हैं तेज़ी से बिकते हैं कौन से हाई मार्जिन हैं कौन से नहीं बिकेंगे या स्लो बिकेंगे ये सारा कुछ हमारी कैटेगरीज में हमें काफ़ी हद तक अब पता है तो अगर कोई हमसे जुड़ता है तो उनको हमारी एक्सपर्टीज़ ये जो सालों की एक्सपर्टीज़ है वो उनको प्रोडक्ट के साथ साथ पूरी पूरी मिलती है ठीक शिवा ऐसे टॉप ट्वेंटी या टॉप टेन प्रोडक्ट्स जरूर आपके पास भी होंगे आपके लिस्ट में जैसे मेरा कैमरा गार्ड टूट जाता है हर तीसरे चौथे दिन फ़ोन गिर के ठीक है ना तो आप ऐसे ट्वेंटी या टेन प्रोडक्ट्स इनिशली किसी एक बंदे को जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है आप उसको प्रोवाइड करा सकते हैं भाई दे आर मोस्ट टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स ये लो और इनको बेचने की कोशिश करो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी इस चीज़ में जहाँ से वो बंदा स्टार्ट कर सकता है हाँ देखो आ, इन प्रोडक्ट्स में ऐसे होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स टॉप सेलिंग होते हैं तो वो बहुत फास्ट सेल होते हैं मगर बहुत लो मार्जिन होते हैं ओके देन बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं थोड़े स्लो बिकते हैं मगर बहुत हाई मार्जिन होते हैं तो ये हमें हमेशा डिसाइड करना होता है कि फ़ास्ट मूविंग आइटम के लिए आपको बहुत मैन पावर चाहिए अगर आप वॉल्यूम बेच रहे हो तो आपको बहुत मैन पावर चाहिए पैकिंग एंड सेंडिंग में तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि कम बिकते हैं मगर बहुत हाई मार्जिन पे बिकते हैं कि जैसे आपने ग्लास गार्ड की बात की एक ग्लास गार्ड आप शायद आपको हज़ार बेचने पड़ेंगे uh, उधर आपका एक लैपटॉप है एक लैपटॉप बिकेगा वो आपको हजार का बैलेंस पूरा कर देगा तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम आपको एजुकेट कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स आप मिंगल करके मिक्स करके आप इकट्ठे करके बेचो कि आपका प्रॉफिट भी अच्छा रहे और आपका स्टाफ बिजी भी रहे और अगर स्टाफ नहीं है अगर आप खुद ही कर रहे हो आप उस हिसाब से प्रोडक्ट हम हाँ, आप, आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके टाइम के हिसाब से अगर आप एक घंटा दिन का दे सकते हो तो आपको वही प्रोडक्ट हम ऑफर कर देंगे कि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे और हाई मार्जिन हो हफ्ते के आपने पाँच दस बेचे और आपने इनफ फॉर योर टाइम मनी आपको कुछ स्पेशली करना ही नहीं है आपको जस्ट आप हमारे पास आओ वेयर हाउस आओ और जहाँ फिर आपके पास इंक्वायरी भेजो और हम आपको स्ट्रेट अवे आपके टाइम के अनुसार आपको हेल्प कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स आपके लिए ठीक रहेंगे और आप कितना मार्जिन और कितना बना सकते हो जी हाँ जी ठीक है आपके पास एक रिपेयर लैब भी है जिसकी आप बात रहे थे जो आप बल्क में रिपेयर्स भी करते हैं हाँ जी तो बल्क में क्या क्या रिपेयर करते हैं आप देखो हम कंप्यूटर्स क्योंकि हम बल्क बायर्स हैं तो हमारी फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपना ही जो टेस्टिंग प्रोसेस है सारे ए, सारे डिवाइसेस का उसके लिए हमें टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं तो हमारी लैब में हम बल्क रिपेयर्स हमारे अपने डिवाइसेस की भी करते हैं और बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे पास जो ऐसे ही जिन्होंने बल्क में ख़रीद रखा है हम उनके लिए रिपेयर करते हैं तो फिर हम डायरेक्टली पब्लिकली भी ओपन है कि अगर किसी का फ़ोन टूट जाए स्क्रीन टूट जाए या जा बैक टूट जाए वो हमारे पास आ सकते हैं हमारी अपनी लैब है हमारे पास सर्टिफाइड टेक्नीशियंस हैं तो आपको आपके पर्सनल डिवाइसेस भी हम रिपेयर करते हैं तो शिवा जो आपका मोबाइल रिपेयर लैब है आपकी मोबाइल और लैपटॉप रिपेयर लैब उसमें जो स्टाफ का जो हायरिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं टेक्नीशियंस नॉट दैट ईज़ी इतना आसान नहीं है टेक्नीशियन मिलना इतने क्वालिफाइड जहाँ अच्छे टेक्नीशियंस सिडनी में नहीं मिलते क्योंकि रिपेयर शॉप्स बहुत हैं और इतने टेक्नीशियंस मार्केट में हैं नहीं आ, और जो कुछ अच्छे हैं वो उन्होंने अपने खुद के ही बिजनेस शुरू कर लिए तो आजकल आज की डेट में अगर कोई अच्छा टेक्नीशियन हम ढूँढने निकलें तो इतनी आसानी से मिलता नहीं और अगर मिलता है कोई डिसेंट टेक्नीशियन तो उनको बहुत ही फाइन ट्यून करना पड़ता है तो जो हम कर पाते हैं क्योंकि हमारी लैब का साइज़ बहुत बड़ा है और एक टाइम पे हमारे पास पाँच से छः टेक्नीशियन होते हैं लैब में तो शिवा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या फिर जो इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे आते हैं बैक होम पे काम सीख के मोबाइल रिपेयर का लैपटॉप रिपेयर का काम सीख करके आते हैं उनको जॉब ईजिली मिल जाती है आर दे एक्सेप्टेबल इन ऑस्ट्रेलियन मार्केट जो काम उन्होंने वहाँ से सीखा है देखो आ, अगर वहाँ से उन्होंने इफ़ दे स्किल्ड अगर उन्होंने वहाँ पे काम किया है और हाथ की सफाई है तो उनको जॉब मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती कम्युनिकेशन uh, अगर अच्छा हो तो उनको बहुत ही अच्छी जॉब मिलती है uh, मगर जो भी ओवरसीज से टेक्नीशियन आता है हमें उन्हें फ़ाइन ट्यून करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने वो वाले डिवाइसेस वहाँ पे देखे नहीं होते जहाँ किए नहीं होते जहाँ उनको अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं जो भी एक अच्छा टेक्नीशियन ओवरसीज से आता है सीख के काम उनको यहाँ आके हमें फाइन ट्यून करना पड़ता है ताकि वो यहाँ के डिवाइसिस को यहाँ के हिसाब से रिपेयर कर सके जी जो लोग इंडिया से या किसी और कंट्री से काम सीख के आते हैं मोबाइल रिपेयर का थोड़ा बहुत उनके लिए क्या मैसेज है आपका क्योंकि देखिए जैसे आपने बताया इट्स रियली हार्ड टू फाइंड गुड टेक्नीशियंस तो वो कैसे सीख के आए क्या, है, क्या mm -hmm. सीख के आए पीछे से जिससे उनको यहाँ पे आके इजीली जॉब मिल जाए देखो मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई टेक्नीशियन बनना चाहता है अगर एज अ फुल टाइम या पार्ट टाइम काम करना चाहता है एज अ टेक्नीशियन तो उनको मदरबोर्ड लेवल तक की नॉलेज होनी चाहिए और टेक्नीशियंस को जब वो वहाँ पर सीख रहे होते हैं तो अगर वो बेसिक uh, मदरबोर्ड लेवल तक का आ, सीख लें तो उनको यहाँ आके काम सीखने में मुश्किल नहीं होती बहुत इजी रहता है उनके लिए क्योंकि उनको सारी टूल्स की नॉलेज होती है और उनको पता है कि कैसे यूज़ करनी है तो उनको सिखाना इतना मुश्किल नहीं रहता अगर वही टेक्नीशियन बहुत ही बेसिक जस्ट स्क्रीन रिप्लेस करना सीख के आए तो उनको यहाँ पे आके काम सिखाना काफ़ी मुश्किल रहता है अनलेस दे रियली कीन टू लर्न क्योंकि फ़ोन रिपेयरिंग में जस्ट स्क्रीन रिप्लेसमेंट नहीं होती अगर हमारे भाई लोग जो पॉडकास्ट देख रहे हैं अगर वो सोचते हैं कि फोन रिपेयरिंग इज जस्ट अ फोन स्क्रीन रिपेयर जहाँ बैटरी रिपेयर इसमें इस, इस पर बहुत और चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो उनको वहाँ पे अगर इंडिया में सीख रहे हैं तो थोड़ा और डिटेल में सीखें जी तो शिवा एज ए बिजनेस मैन आपने क्या क्या हर्डल्स फेस की फ्रॉम द फर्स्ट डे और आज तक क्या क्या आपको हर्डल्स आए क्या क्या प्रॉब्लम्स आप आपने फेस करी हैं इस बिज़नेस की जर्नी में और अगर एक कोई बंदा नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए आपकी क्या एडवाइस है जब मैंने बिज़नेस शुरू किया था तो मैंने एक ही चीज़ समझी थी हेड डाउन बट अप तो काम करते रहो एंड देन यू इवॉल्व तो थोड़े टाइम बाद तो मैं समझ आता है कि यस दैट वाज राइट गिव मी अ गुड स्टार्ट अब इट्स द टाइम फॉर अ स्मार्ट वर्क ठीक है ना तो आपको बस पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो uh, अगर आप श्योर हो कि आपने लेट्स से आईटी में जाना है जहाँ हेयर हेयर हे, हे, हे सलून खोलना है जहाँ रेस्टोरेंट खोलना है तो आपको बस पता होना चाहिए कि लाइन कौन सी चूज़ करनी है अगर आप चूज़ करते हो कि आपने टेक इंडस्ट्री में एंट्री करनी है और कोई अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करना है तो थैंक यू सो मच शिवा फॉर दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर जो भी इन्फॉर्मेशन आपने अपने बिजनेस की शेयर करिए क्योंकि एज ए इमिग्रेंट बिजनेस मैन एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है यहाँ पर सेट होना दो बैग लेकर के आते हैं तकरीबन लोग कोई कोई एक लेके आता है कोई तीन ले आता है कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है ना डिपेंड ऑन एयरलाइन बस पैसों से भरे हो <laughs> पैसों से भरे बैग होते तो फिर लोग यहाँ <laughs> तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को दे रहे हैं तो मेरी अर्ज है जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं अगर अपना कोई टैक का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इमिकास्ट की टीम से या फिर मिस्टर शिवा से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं uh, सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और कॉन्टैक्ट फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया फॉर्म फिल करके हमें भेज सकते हैं सारे फॉर्म्स शिवा जी को हम लोग सेंड करेंगे डायरेक्टली एंड दे विल कॉन्टैक्ट यू टाइम टू स्टार्ट योर बिजनेस राइट नाउ सो एक्ट नाउ एंड डॉक्टर थैंक्स विक्रम थैंक यू शिवा